शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शॉर्ट में मैं पहले बताऊंगी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ। अगस्त 2018 में मैंने पहली बार गुरुजी के मंदिर में आई, गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन उससे बहुत पहले ही मैंने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से गुरुजी के बारे में काफ़ी सुना हुआ था, गुरुजी के मिरेकल्स काफ़ी सुने हुए थे, बट फिर भी मेरा इमीडिएट कनेक्शन हुआ नहीं गुरुजी के साथ। इट टुक मी सम टाइम, बट मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे अच्छा बहुत लगता था गुरुजी के पास आना, शब्द सुनना, और उसके लिए मैं हर मंडे थर्सडे संडे वेट किया करती थी। और मुझे याद नहीं है कि मैं न्यू जर्सी में हूँ और मैंने कोई ऐसा दिन मिस किया हो कि मैं सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया हो, मैं नहीं आई हूँ, तो मुझे इस हद तक अच्छा लगता था। धीरे 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 आई थिंक ये जुनून बढ़ता गया और बहुत 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 अच्छा लगने लगा। तो पिछले 3.5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई, फेवर में हुई, कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें भी हुई जो लगा कि ये फेवर में नहीं है, बट पता नहीं क्यों एक विश्वास था कि अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो उसके पीछे गुरुजी का ही रीज़न है। और ये विश्वास कहाँ से आया मुझे ये भी नहीं पता, किस तरह से ये डेवलप होता चला गया, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी। मैं हमेशा चिंता करने वाली, घबराने वाली, छोटी छोटी बातों में मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उस टाइप की थी। और ये जादू, ये मिरेकल ही था कि कैसे हुआ मुझे नहीं पता, यहाँ बैठे बैठे शब्द सुनते सुनते गुरुजी का अमृत रूपी प्रसाद खाते खाते आई थिंक क्या कैसे चेंज होता गया, भगवान में विश्वास बढ़ता चला गया, मैल की परतें आई थिंक उतरने लगी, सब कुछ अच्छा लगने लगा, सब कुछ पॉजिटिव लगने लगा, वो चीज़ें अप्रिशिएट करना आ गया जो लाइफ में थीं पर नज़र नहीं आती थी, और वो चीज़ें दिखनी बंद हो गई जो पहले ऐसा लगता था कि शायद होनी चाहिए और नहीं है। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक मिरेकल ही है और सबसे बड़ा सत्संग ही है गुरुजी का। अगर मैं ग्राफ देखूं अपनी खुशियों का या सुकून का, शांति का, तो वो बढ़ा ही है पिछले 3.5 साल में और बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा सत्संग है, यही सबसे बड़ा मिरेकल है, ये सब आई थिंक गुरु जी का ही चमत्कार है जो इस तरह से उन्होंने मुझे चेंज किया। उसके अलावा भी मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो जिसमें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और आई थिंक पहले वो प्रेजेंस शायद इग्नोरेंस की वजह से या अननोइंगली नज़र नहीं आती थी, अब शायद वो नोटिस करना शुरू किया तो नज़र आया कि यही सत्संग है, यही छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं। उसका सबसे बड़ा रीसेंट एक्सपीरियंस ये है कि मैं अभी इंडिया गई थी तो आने से 4-5 दिन पहले मेरी बैक में बहुत बहुत सीवियर पेन हो गया और लग रहा था कि कैसे, मतलब ट्रैवल कैसे करूँगी, इतनी लंबी फ्लाइट है। वो पेन बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था, और आने से एक दिन पहले, फिर पहले तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रही थी मैं, फिर आने से एक दिन पहले मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाते हैं अगर कुछ कुछ आराम मिला कुछ दवाइयों से। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, उस दिन तो ठीक लगा, पर नेक्स्ट डे जिस दिन ट्रैवल करना था और ज़्यादा पेन हो गया। पर आई डोंट नो, मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे, जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। मैंने एक फार्मेसी से बेल्ट जरूर खरीदी बैग में पहनने की और बस आ गई। जब एयरपोर्ट पर पहुँची तो उस दिन मैंने देखा बड़ा रश है, तो एक अटेंडेंट था एक बंदा, उससे पूछा मैंने कि आज तो बड़ा रश है, तो ही सेड कि लास्ट 2 डेज से फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, तो आज इसलिए थोड़ा फ्लाइट में ज़्यादा ही क्राउड है। तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने कहा सही है गुरुजी, बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं लगता है इस बार। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि फ़्लाइट में अगर शायद थोड़ी सी कोई एक आध सीट एक्स्ट्रा हुई तो मुझे मिल जाए, क्या पता, बट मैं हंस रही थी। मैंने कहा लगता है इस बार अच्छे से परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। खैर एनीवे मैं फ़्लाइट में आई, फ़्लाइट वॉज फुल, तो पर मेरी शक्ल से और आई थिंक मेरी बैग में बेल्ट बंधी हुई थी, तो एयर हॉस्टेस आई, कहती आर यू ओके, मैंने कहा यार ठीक है, आई गॉट हर्ट माई बैक, तो कहती अच्छा। 2 मिनट बाद आई, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के, उसको एक सीट थी जहाँ पे वो तीन वाली सीट में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ था, तो शी टोल्ड मी यू कैन सिट ओवर हियर, एंड मुझे 2 सीट्स मिल गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी का ही चमत्कार है कि इतनी
इतनी बड़ी फ्लाइट में जो पूरी तरह से बुक है, और आई थिंक वही एक जगह थी जहाँ पर दो सीटें अवेलेबल थी तो मुझे वो मिल गई। तो आई थिंक मुझे शायद गुरुजी दिखाना चाह रहे थे कि मैं हूँ, डोंट वरी। तो एक तो ये सत्संग हुआ, दूसरा अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं आई दरबार में, मैं यहाँ पर बैठी मत्था टेक रही हूँ और पता नहीं क्या मुझे अपने अंदर से कोई ऐसे इनर वॉइस आई, मैंने कहा क्या गुरुजी आप सत्संग कराएंगे और मैं उस बात को भूल गई बोल के, अपने डेली सेवा में और शब्द वगैरह सुनने लगे, बिजी हो गई। उसके बाद ये मंत्र जाप के 2 मिनट पहले रोहित अंकल आए, मुझे कहते हैं भारती आंटी सत्संग करोगे, मैंने कहा ठीक है। और मैंने सत्संग किया उस समय क्योंकि थोड़ा नर्वस हो गई, एकदम से बोल दिया गया, मुझे वो बात ध्यान नहीं रही, बट मुझे लगा बाद में जब सब खत्म हो गया तब मुझे ध्यान आया कि आज तो ऐसा हुआ था। तो आई डोंट नो वो क्या था, पर मुझे लगा कि कुछ तो था जो मैं हमेशा सोचती थी कि जब लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने ऐसा बोला या वैसा बोला, तो मैं सोचती थी कि मुझसे तो कभी गुरुजी कोई बात नहीं करते, तो आई थिंक यही तरीका है, ऐसा मैंने उस दिन फील किया। और एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट और हुई जिसमें मुझे डेफिनेटली लगा कि गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, तो कोविड से पहले की बात है, जब ओपटी टेम्पल पर हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी, तो वो कहती हैं कि देखो मेरी रोटी प्रसाद में ओम है। तो मैंने मन में ऐसे मैंने देखा, मैंने मन में बोला कुछ भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से नज़र आते हैं, हमें मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, मतलब अगेन शायद मेरा वही इग्नोरेंस थी या कुछ भी समझ लीजिए। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि पता नहीं कैसे लोग एज्यूम करते हैं या कहाँ से नज़र आ रहा है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। एनीवे फिर उसके बाद थर्सडे का दिन था, तो सेवा वगैरह करके हम लोग जनरली लेट पहुंचते थे घर 11:30-12 समटाइम। तो कई बार क्या होता था क्योंकि बिल्कुल एंड में जाते थे तो कुछ प्रसाद बच जाता था, तो उस दिन भी मुझे कुछ रोटी प्रसाद दिया जिसमें एक फॉयल में थी, मेरे ख्याल से 5-6 रोटी प्रसाद होंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो पहली बार हुआ था, उससे पहले भी एक कई बार हुआ था कि ऐसे कुछ प्रसाद बचा तो हम सेवादारों को दिया कि आप ले जाओ। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, इतनी लेट नाइट, और मैं हमेशा लाके प्रसाद को घर में फ्रिज में रख देती थी, पर उस दिन कोई शक्ति थी या क्या था मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे लगा कि ये खोलूँ मैं, और मतलब वो वाला इंसिडेंट मैं भूल चुकी थी कि जो रोटी प्रसाद में ओम दिख रहा था वो तो बिल्कुल मैं भूल गई थी। मैंने ऐसे ही उसको खोला, फॉयल खोला, एक रोटी प्रसाद उठाया, दूसरा उठाया, तीसरे में इतना क्लियर ओम कि मतलब अगर शायद गुरुजी उतना क्लियर नहीं दिखाते तो मैं फिर बोलती कि नहीं अज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब उसमें मुझे लगा कि शायद गुरुजी दिखाना चाहते थे कि तुम्हें ऐसा लगा कि हम ऐसी अज्यूम कर रहे हैं लोगों को दिखने ना, पर मैं हूँ और गुरुजी शायद वही दिखाना चाह रहे थे। तो मेरे हिसाब से वो भी एक सत्संग ही है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाना चाह रहे थे। अगर आपको किसी को देखना है तो मैं दिखा दूँगी सत्संग के बाद, बहुत ही क्लियर ओम है उसमें, कोई भी देख सकता है, आई थिंक कोई ब्लाइंड भी देख सकता है कि इतना क्लियर ओम है और वो शायद गुरुजी ने मेरे लिए बनवाया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी की प्रेजेंस है और गुरुजी हमेशा साथ रहती हैं। ये सबसे बड़ा सत्संग है हर रोज का मेरे लिए। गुरुजी से जब भी मैं माथा टेकती हूँ 3 चीज़ें ज़रूर बोलती हूँ कि सबसे पहले बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, अपने चरणों से जोड़ा, मुझे बुलाया, हालांकि कभी कभी कंप्लेन भी लगती है इतनी लेट क्यों किया, थोड़ी और जल्दी बुलाया होता। जब मैं यंग जनरेशन को और इन छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी प्योर सोल हैं ये लोग जो गुरुजी ने इनको अपने पास इतनी जल्दी बुलाया, और स्पेशली जो बच्चे अभी आ रहे हैं छोटे छोटे से हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग तो पता नहीं क्या मिरेकल करने वाले हैं इस समाज में, सोसाइटी में। तो उसके लिए तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने बुलाया। दूसरी प्रार्थना हमेशा कि अब बुलाया तो प्लीज़ अब मत दूर करना अपने चरणों से, कहीं भी कैसे भी रखना, बस अपने पास रखना, अपने से जोड़े रखना। और तीसरी बस हमें सही राह दिखाएं गुरुजी, मुझे मेरी फैमिली को, मेरे गुरु परिवार को हमेशा सही रास्ता दिखाएं, सही गाइडेंस दें, यही प्रार्थना है मेरी आपसे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना संगीत जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।